हम सात आठ प्लेयर्स नहीं रख सकते भाई। अच्छा हम सात आठ प्लेयर्स नहीं रख सकते, क्या छोटा है ना हमारे। जिस हिसाब से हमने टीम का सिनर्जी देखा, वी थिंक दैट ज़ोरो इज नॉट उतना एफिशिएंट फॉर द टीम। चारों प्लेयर्स का माइंडसेट, चारों प्लेयर्स का गेम प्ले के हिसाब से अगर हम देखें, अच्छा तो ही इज नॉट एफिशिएंट राइट नाउ। हिम वी आर हैविंग न्यू प्लेयर्स इन द टीम एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो नए प्लेयर्स है यू आर नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, बहुत अच्छे प्लेयर्स है। फन फैक्ट की एक चीज बोलूं, अभी जो नया प्लेयर्स को मेट राइज ले रहा ना, वो दोनों के नाम बीटीएस का पता भी नहीं है। वही एक प्लेयर पता होगा, सिंप पता होगा, बट नॉट सिंप पता नहीं बीटीएस को। फैक्ट बोल रहा मैं, जाके इस बीटीएस को पूछ जाके चीज पता कि नहीं, नॉट सिंप। मैंने खुद उनको देखा है खेलते हुए, पहले वॉच पार्टी में मैंने देखा है खेलते हुए उनको, तो बिलीव मी गाइस। एंड कोई भी स्पोर्ट्स टीम गाइस चलती है, कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशन होता है, थोड़ा कनेक्शन होता है प्लेयर्स के बीच में, बट तुम ई-स्पोर्ट्स को पूरा का पूरा इमोशंस पे नहीं चला सकते यार। ये बात तो सही है, सिनर्जी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन इमोशन। तुमको चीज मैंने बोला भी हो रहा, तुम याद है तुम लोग एक बार स्ट्रीम पे बोला, कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेना पड़ता है कि हम इमोशन नहीं देखना पड़ता है, हम बस परफॉर्मेंस देखना चाहिए, देखना पड़ता है परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग प्लेयर्स को लेते हैं, ऐसे नहीं कि इमोशंस देख के। बट बीटी ओपी है, कितना मतलब ऐसे कूल होता है, मतलब लाइक कूलली स्मार्टली बोलता है चीजों, मतलब ऐसे आराम से बैठे बैठे, या जो दो एडिशंस हो रहा है, क्योंकि वो दो एडिशंस गंद मारती है आगे जाके, हम इसलिए इसको निकाल दिया क्योंकि वो गंद नहीं मार रहा है, ऐसा बोल रहा है, मस्त क्यूटली बोल रहा है। वीडियो ओपी भाई।